राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरी बहनों और मेरा भाइयों, आपको मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत सबको स्वागत है। आप लोग देखो हो, मन बहुत खुशी हुए। एक मेरी बेटी है जो कि सुमन पांडे खेरी है, क्या चाची जी था को वीडियो देखो, जरा मन यह लगे कि आप बात ही करा। हाँ, पहली कागज देता और पछुआ तो वो पटता, जरा मिलेड़ा सा हो जाता। तो मेरी बेटी तन बात करनी है जो कि लिख कर कर दिया कर, मैं तन पाछी मुंडा सो बता दी। अच्छा, अब मोरी बहुत बहना का प्रश्न है जका का मैं उत्तर बता रही हूँ, देखिए आप लोग सब सुनो। काकर डोल दा सुहागण कई बंद है के एक बहन पूछ रही है, बेटा बे राखी है ना जी की 365 सुहागण कई बांधी जाए, बाकी सागे एक एक टिको को पत्तो भी दे दो। एक बहन कह रही है मेरे बेटे की शादी है, आप गीत गाना। मैं बहुत गीत गाऊंगी और मेरा गाया हुआ भी बहुत है, गणेश जी सुन ले और सारा गीत गाएडा है। एक गीत है वो राती जुगा को, पितरा पातड़ी कई बार बहन बोल दी पितरा पातड़ी को गीत, तो आप सर्च करो यूट्यूब में मेरा चैनल पर, पितरा पातड़ी को गीत मेरो गाइडो है। बाप कह रही है मेरा बेटा की शादी है जी, कह मैं गीत सुनती हूँ, तो मेरी बहन गीत सुनो जी की लिखो और सीख भी लियो, तो आप लोग भी गाओ मेरे जापा के बाद, मैं आप लोग मन से याद कर सो भाई बा गाती ही। आपने नितनेम के गट का मतलब नहीं बताया बेटा, गट हुए है गोड़ो, नारियल को गोड़ो आवे ना, खोपरा हुए आधा और गोड़ो हुए है, गट को मतलब हुए गोड़ो। जेठ जेठानी को नेग पूछ रही है एक बहन, जेठ जी ने जेठानी जी ने बैठा हो चौक में, जेठ जी का पग दो, जेठानी जी का पग दो और मन रोली से चिरचो और दोनों ने कपड़ा पहराओ, जेठ जी ने कपड़ा दियो और जेठानी ने बेस पहराओ, वो सम्मान है, वो प्रेम है, ए नेग जका सारा प्रेम और सम्मान है और दान भी है। हजारी एक साल में पूरी करनी है क्या, हजारी एक साल में पूरी हुई को नहीं, हजार चीज बहुत हुआ, आप एक साल में दो साल में तीन साल में कद भी पूरी कर दो, कॉपी गाल लियो भी लिखो वो करो भाई आ जाती होगी, और दो दो चीज एक साथ दे दो जो 500 बार में पूरी हो जाए। 100 शेरी और हजारी कलपते हैं क्या, कई मेरी भाणा तो छाटो दे है भी के रोली को और कई इया भी देवे जी, आपकी मर्जी वे बिया दे दो। कलपबा को मतलब कहीं वे है, कलपबा को मतलब ओ है का आप कलपणो कार सासू जिन देवा, तो वो बेटी बेटा पति नहीं खानो चाहिए भाई, मेरो कलपेड़ो है तू मत खा जी, इसलिए आप कलप्या बाद में वो आपका बच्चा ने आपका पति ने अन्न नहीं खानो चाहिए। मैं सूरज भगवान का अर्घ दे सकती हूँ के, एक मेरी बेटी पूछ रही है, वह 30 साल की है, सूरज भगवान का अर्घ दे सकती है 6 दिन को न लगे, मैं ना मैं तो कोई बात को नहीं, सूरज भगवान का हाथ जोड़ लो और 7वें दिन अर्घ दे लो। एक बात और बताऊं आपने, अगर सूरज भगवान का अर्घ दो ना बिम एक चुटकी भर रोड़ी की डालो, बहुत अच्छी रेसी वाह, ताका घर में सुख शांति रेसी और धन धान्य की कमी को नहीं आवे, नियम से देवो और 7 दिन नहीं दे सको तो कोई बात को नहीं, वो तो भगवान माफ करे है, क्यों औरता के वो काम हुए सबके और भगवान ने भी बेरो है, और अगर आप देवा तो दोष की भागी बना, इसलिए 6 दिन मत देओ 7वें दिन दे लो। और मैनो आइडो है ना जना 4 दिन तक गिल्ली पूजा को नहीं हुए, 4थे दिन आप अगरबत्ती दीवो कर सको हो, जिया कलसी देनो है, तुलसा सींचनी है, पानी सु भगवान ने नुहानो है, गिल्ली पूजा को नहीं हुए, 4थे दिन आप दीवो अगरबत्ती कर सको भगवान के। धरती माता का उपवास भी होता है क्या, एक बहन पूछ रही है, धरती माता को उपवास को नहीं हुए, उद्यापन का सामान किसको दे, धरती माता का उद्यापन को सामान आप ब्राह्मण ने भी दे सको हो और सासू माने माँ हो सासू भी
माने भी दे सको, कई औरता आपकी माने भी देवे भाई, धरती माता माता भाई, माँ को एक ही नहीं हुए है, तो आप कोई ने भी दे सको हो, देव बारे घर में मत देव। द्रौपदी की चरी का और उसका नेम, द्रौपदी की चरी को नेम को नहीं, वह चरी में टोपिया में बना लियो खीर, चरी में गाल, और भी कह मैं पहली भी बताई हो कि रोली टीको कर दियो और मंदिर में चढ़ायो दक्षिणा के सागे। ननद की मांग भरना है और महीने की मैं 12 महीना हुए है, 12 महीना में 12 बार हुए है, तो आप 2 बार ज्यादा भरवा लियो, 14 बार भरवा लियो, एक दिन में 2 बार कर ले सो जनाबा 14 हो जैसी। 14 सुहागन से मांग भरवानी है तो 12 महीने की, अच्छा वही आएगो, 14 कर लियो, 14 महीना कर लियो। थली की पूजा कैसे करते हैं, थली ने धो, सुबह पहले नहा धो, और जिया अठे केरल चेन्नई आम रोज रंगोली मांडे, लक्ष्मी को आह्वान करे भाई, मारे लक्ष्मी आती आसी, पहली बहू आती जना मांडना मांडता में चौक में मांड भाई लक्ष्मी है, बेटी आती जना भी मांडना मांडता मांडना मांड चौकी ढाल भी ऊपर बैठा था, आजकल तो बेटी है सारा लुप्त होगा, क्यों को नहीं रिया, बहुत स्वागत हो तो पहली बहू रानी को, बहू आती जना। थली की पूजा कैसे करते हैं, थली ने धोई और एक साथियों ई साइड मांडो, एक साथियों ई साइड मांडो, और बाई साइड में दीपक चासो, लक्ष्मी माता आवे जना, लक्ष्मी माता के वो दीपक देनो हुए, और भी की पूजा करो, पुष्प चढ़ाओ धूप चढ़ाओ और थोड़ो सो के वो गुड़ की डली चढ़ाओ। धर्मराज जी की छतरी और टॉर्च कोंदी, एक बहन टॉर्च और छतरी कोंदी, तो मेरी बहन अब आ रही है वो संक्रांति, इस पर कोई ब्राह्मण ने दे दियो, अब जो वो पहली थे दियो हो दान वो मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बिन दे दियो, नहीं तो के कोई ब्राह्मण ने दे दियो, ना था के मन में संग बात को नहीं रहे भाई मैं दी को नहीं। संक्रांति पर पति को नेग काई हुए है पान खिलावा को, तो पति को ने मैं पहली भी बतायो हो, मन पसंद का कपड़ा लियाओ, प्लेट में जलेबी गालो भी रुपया मिल लो, 5 जलेबी ऊपर पान रखो पिया मारो मान, वो बोलो एक दिन ही वह संक्रांत को ही वह नेम को नहीं रोजिना को आवा, और आपका पति ने रोजिना पान खा को शोक है तो मंगवा रो पान खुआ दी। संक्रांति पर जो चीज बांटते हैं वो विधवा या सुहागण, विधवा सुहागण मत बोलो बहनों, खाली सुहाग की चीज है ना, जहाँ बिंदी बा कोन लगावे मेहंदी बा कोन लगावे तो वह चीज मत दो, बाकी विधवा सुहागण कोई भेदभाव कोनी, खाली बा भाई मेहंदी टिक्की राखी चूड़ो ए कोनी पहरे ए मत दो, बाकी हर चीज आप विद्वान दे सको। सुहाग चुनरी करने कैसे करें, वो मेरे पिछला का वीडियो में बताइड़ो है, चुनड़ी लियाओ ननद भाण जी सासू कोई नहीं, एक बहन बोलिए छोटी बहन को कर दोगे सुहाग चुनड़ी को, तो आप बिल्कुल करो, साड़ी पहराओ दक्षिणा दियो प्रणाम करो टिको काटो, मंदिर का पट खुलवाने में पर्दे को कलपते हैं क्या, पर्दा के डोली का छांटा दे दियो पैर फेर ले जाओ फिर पर्दो लगा दियो। धर्मराज जी के उद्यापन की विधि बताओ, मेरा गैल का वीडियो देखो, मेरे धर्मराज जी की वा विधि बताई है जो कि आप कर लो, राधे राधे।